अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिसास किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मेन आइटम होगा कॉर्न पैनकेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए मैंने दो स्वीट कॉर्न लिए हैं। पहले इसको बीच में से आधा आधा कर देंगे। इसको चाकू से इस तरह से काट कर दाने निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं, इसी तरह से सारे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने दाने को निकाल कर एक बाउल में रख लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून आटा। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे गाढ़ा घोल की तरह बना लेंगे। ये ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है, इसमें पानी थोड़ा और ऐड करेंगे, से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन गरम कर लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें आधा बैटर डालेंगे और इसे स्पैचुला से स्प्रेड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए एक साइड से कलर आ गया, अब इसे पलट लेंगे। देखिए दोनों साइड से हो गया है और अच्छा सा क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और बाकी के आधे बैटर को भी इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये भी दोनों साइड से सिक गया है, अब इसे भी उतार लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ पोटैटो ब्रेड रोल्स बनाकर रखे हुए हैं, उसे भी शैलो फ्राई करेंगे। देखिए रोल्स भी हमारे एक साइड से सिक गए हैं, अब इसे पलट लेते हैं। इधर से भी इसके किनारे किनारे थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। ब्रेड रोल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, अब इसे उतार लेते हैं। अब इसे फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे और अंडे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा नमक छिड़क देंगे ऊपर से, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस अंडे फ्राई हो गए हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो पैनकेक बनाया था उसे बीच में से कट कर लेते हैं और सर्व करेंगे। इसी में अंडे को भी उतार लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे थोड़ा टोमेटो केचप और जो ब्रेड रोल बनाए थे वो भी रख देंगे। और एक गिलास लेमन जूस। तो देखिए तैयार हो गया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लेटर, अब इसे सर्व करेंगे। पैनकेक हमारा बहुत अच्छा बना है, टेस्टी और क्रिस्पी। ये सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।